हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीसी को शट डाउन करने की ट्रिक्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप इजीली सिंपल तरीके से अपने पीसी को वो शट डाउन कर सकते हो, वो भी चार चार तरीकों से। कैसे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। और आप दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आप मेरे चैनल के पहले मेहमान हो, तो चैनल पर चाय पी के जरूर जाइएगा। चाय पीने का मतलब समझ चुके होंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि हम लोग इजीली और सिंपल तरीके से कंप्यूटर को पांच तरीके से कैसे शट डाउन करने वाले हैं। यदि आप कंप्यूटर और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को पांच तरीके से कैसे शट डाउन करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, सामान्यतः आप लोग अपना जो पीसी है वो शट डाउन कहाँ से करते हो, जैसे विंडो 10 है, वो आप लोग जैसे स्टार्ट पे आते हो और यहाँ पे आपको शट डाउन पावर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करते हो। फिर आपको सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पीसी शट डाउन, तो यहाँ से आप वो पीसी शट डाउन करते हो। लेकिन अब मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो देखिए क्या है दोस्तों। ये हम लोग सामान्यतः अपने पीसी को शट डाउन करते हैं। अब मैं किस तरीके से शट डाउन करने वाला हूँ वो आपको ट्रिक नंबर दो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए ट्रिक नंबर दो देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर दो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग नॉर्मली शट डाउन है जो मैंने अभी पीछे बताया उस तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका दिया है, जो कमांड दे के बनाया है, वो कैसे बनाया है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक देख रहे हो कि मैंने एक डेस्कटॉप पे एक जो है आइकन बना हुआ है जो साइड से डाउन नाम से, इसको मैं दो बार क्लिक करता हूँ तब ऐसे आता है, और फिर मैं इसको ऐसे नीचे ला के छूटता हूँ तो ये पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा। तो मैं अभी शट डाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि मैं शट डाउन कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं इसको अभी शट डाउन अब नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने इसको कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपली जो है रिफ्रेश वाला जो क्लिक होता है उसको आपको क्लिक करना है, यानी राइट क्लिक है वो करना है आपको। तो जैसे आप राइट क्लिक करते हो फिर यहाँ पे आना आपको न्यू पे। जैसे आप आते हो यहाँ पे आपको शॉर्टकट नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस शॉर्टकट ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप शॉर्टकट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे आपको कुछ कमांड है वो लिखी हुई दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो एज टू एज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके भी टाइप वो कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे देख के भी वो टाइप कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ, तो ये आपको टाइप करना है। तो मैं अभी इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैं उसके अंदर टाइप करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल नहीं करना चाहता और फटाफट सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। आपको वो टाइप करना है, मीनिंग का ध्यान रखना है, और विंडो सिस्टम 32 वाला ये बिल्कुल मत भूल जाना, ये भी आपको टाइप करना है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ गया है स्लाइड टू शट डाउन। अब यहाँ पे आप उसको कुछ और भी नाम दे सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो दे सकते हो। तो मैं अभी इसको फिनिश कर देता हूँ, तो ये डेस्कटॉप यहाँ पे आ चुका है। वैसे तो मैं इसको भी दो बार क्लिक करूंगा तो वही शट डाउन वाला ऑप्शन ही आएगा, तो मैं इसको नीचे करूंगा तो शट डाउन हो जाएगा, तो मैं अभी शट डाउन नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने जो आइकन दिया है वो आइकन आप लोग यहाँ से आइकन भी चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आना है और यहाँ पे चेंज आइकन करना है, तो ये कुछ आएगा, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी इसको आइकन देना चाहो, तो मैंने ये आइकन इसको दिया है ताकि ये लग भी रहा है शट डाउन की तरह, इसीलिए मैंने इस आइकन को वो सिलेक्ट किया है। तो आप जो भी आइकन उसको देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहो इसमें से कोई भी आइकन है वो ले सकते हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये आइकन है वो चेंज हो गया। अब इसको आप जैसे ही दो बार क्लिक करोगे तब आपका पीसी है वो ऊपर से शट डाउन होगा, और बहुत जल्दी शॉर्टकट तरीका है शट डाउन करने का। तो चलिए अब ये आपको समझ में आ गया है, अब बात करते हैं शट डाउन नंबर तीन तरीके। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर तीन में पीसी हम लोग शट डाउन करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक तरीका है। जैसे आप लोग कभी भी पीसी के अंदर काम करते हो और आपको चाहिए कि आफ्टर आधे घंटे के बाद या आफ्टर 1 आवर्स के बाद में जब भी आपका पीसी है वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाना चाहिए,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कुछ कमांड्स है वो जनरेट करनी पड़ेगी, वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर चेक करा देता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, सिंपली ये टाइप करना है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। शट डाउन लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद माइनस एस लगा के फिर स्पेस देके फिर टी लिखना है, फिर स्पेस देके जो सेकंडों के अंदर टाइम लिखना है। मैंने 120 सेकंड लिखा है, इसका मतलब है 2 मिनट के बाद पीसी वो शट डाउन हो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और कैसे करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है और सिंपली शॉर्टकट में आना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है शट डाउन स्पेस माइनस एस स्पेस माइनस टी स्पेस और आपको जो टाइम देना है वो टाइम दे देना है। मैंने टाइम 120 है वो दे दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा और यहाँ पे शट डाउन आफ्टर 2 मिनट, तो मैंने इसको टाइम सेट करके यहाँ पे कर दिया, तो ये यहाँ पे बन चुका है। अब मैं जैसे इस पे दो बार क्लिक करूंगा तो मेरा पीसी है वो 2 मिनट के बाद है वो शट डाउन हो जाएगा। तो अभी होगा नहीं क्योंकि कुछ मेरे रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आ गया, जो आईटा है वो साइन अप होगा, उसके बाद आफ्टर 2 मिनट बाद में वो पीसी वो शट डाउन हो जाएगा। तो सारा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। पर इसको आप आइकन भी चेंज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वाले में मैंने आइकन चेंज किया है, प्रॉपर्टी में जाना है, चेंज आइकन पे करना है, यहाँ पे ओके करना है और आप जो भी इसको आइकन देना चाहो वो आइकन दे सकते हो। तो इस बार मैं आपको थोड़ा अलग आइकन दे चेक करा देता हूँ, अलग आइकन देखे तो मैं ये वाला दे देता हूँ और ये देखिए उसके बाद आप जैसे इसको दो बार क्लिक करके छोड़ोगे तो उस टाइम के बाद आपका पीसी है वो ऑटोमेटिक ही शट डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों रहा है लास्ट एंड फाइनल कि आप पीसी है वो शट डाउन कैसे करोगे। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अलर्ट और F4 वाला जो F फंक्शन कुंजी है उसका F4 है वो, लेकिन सिंपली आप लोग यदि प्रोग्राम के ऊपर न जाके डायरेक्ट अलर्ट और F4 दबाओगे तो आपका पीसी है वो शट डाउन आ जाएगा, जो इस तरीके से है। यदि कोई प्रोग्राम्स ऑन है और उसकी जगह आप प्रोग्राम में रन कर रहे हो और वहाँ पे आप अलर्ट F4 दबाते हो तो वो प्रोग्राम क्लोज होता है। जैसे डेस्कटॉप पे आके दबाते हो तब आपका पीसी है वो शट डाउन होता है। तो F4 का बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ भी लेते हैं और ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है आपने पीसी को शट डाउन करने का। तो अभी मैं शट डाउन नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप पीसी को शट डाउन करने के चारों तरीके अच्छे तरीके से जान चुके हो और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। जय हिंद। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी है, इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसा का एसटीएस मैंने जो कमांड दी है वो सेम टू सेम, उसको आपको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है और अपने जो लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर है वो जैसे मैंने आपको बताया वैसे के वैसे पेस्ट करके एक फाइल बना लेनी है, उससे आपका पीसी है वो डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा, वो भी ऊपर स्लाइड से। तो दोस्तों आपने पीसी को शट डाउन करने की चारों तरीके हैं वो देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी पीसी या लैपटॉप से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ अपडेट्स आते रहते हैं या मैं जो नए वीडियो डालता रहता हूँ तो उनको भी नए अपडेट्स है वो मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।